हाय गाइस, वेलकम टू काजल ट्यूटोरियल्स। मैं हूँ काजल सिंह। फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमने आपके लिए सिनम्स की सीरीज लाई है, जिसमें हम डेली आपके लिए नए अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स का हमने यहाँ पर कलेक्शन तैयार किया है, ताकि आपके एग्ज़ाम में ये हमेशा आपके लिए यूजफुल हो और आप कभी भी इनमें कन्फ्यूज़ ना हो और ना ही गलत करके आएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज हम किन किन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। उसके पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए डेली आने वाले हैं। इसलिए आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आज हम किन वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, हमारा आज का वर्ड्स है, तो आज हम उन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो कि ई से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है इनकम्बर। इनकम्बर की मीनिंग होती है भारग्रस्त करना। इसके सिनोनिम्स है बर्डन। सिनोनिम्स बहुत ईजी है बर्डन। अब आप इसे कैसे याद करेंगे इनकम्बर? अगर हम इसे नॉर्मली पढ़ें तो इनकम्बर या इनक्यूम्बर। अगर हम इसे लेट करना चाहें, कम्बर को कुकुम्बर, कम्बर कुकुम्बर। एंड अगर आप एक बैग को इमेज करें जो कि फुल्ली कम्बर से, यानी कि कुकुम्बर से भरी हुई है, तो बैग कैसा हो जाएगा? भारी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। हमारा सेकंड वर्ड है एंजियोमेंट। एंजियोमेंट की मीनिंग होती है लाड, प्यार, मोह, ममता। सिनोनिम्स हैं फॉरवर्ड और एक्ट, फॉरनेस या फिर केयर्स। इसे रिलेट करने के लिए आप इसके स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। स्पेलिंग में है डी ई ए आर, यानी कि डियर वर्ड आ रहा है। तो जैसे ही आपको इसकी स्पेलिंग दिखेगी, इसके सारे सिनोनिम्स आपको खुद ही रिलेट हो जाएंगे। हमारा थर्ड वर्ड है एंड्योर। एंड्योर की मीनिंग होती है प्रदान करना। सिनोनिम्स हैं प्रोवाइड विद सम क्वालिटी, एंडो। अगर हम इसे रिलेट करना चाहें, इंड्योर इट्स योर, इंड्योर इट्स योर। अब अगर ये आपका है, इट्स योर, तो मुझे ये चीज़ क्या करनी होगी? आपको प्रदान करनी होगी। इस तरीके से रिलेट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंज्यूरिंग। इंज्यूरिंग की मीनिंग होती है टिकाऊ या फिर चिरस्थाई। सिनोनिम्स हैं एस्टिंग, सर्वाइविंग, ड्यूरेबल एंड परमानेंट। इसमें देखिए ड्यूरिंग वर्ड आ रहा है। ड्यूरिंग मत, ड्यूरिंग को हम रिलेट करेंगे ड्यूरेबल, ड्यूरिंग ड्यूरेबल। एंड ड्यूरेबल की मीनिंग ही होती है लॉन्ग लास्टिंग, जो कि इसका सिनोनिम भी है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इमिनेंट। इमिनेंट की मीनिंग होती है प्रख्यात, प्रसिद्ध। इसके सिनोनिम्स हैं लॉफ्टी, कॉन्स्पिशियस, सेलिब्रेटेड एंड रिमार्केबल। इसे लेट करने के लिए हम इसे लेट करेंगे इमिनेंट इमरान हाशमी। इमिनेंट इमरान हाशमी। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं, इमरान हाशमी बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, एक सेलिब्रिटी है। तो इस तरीके से ये वर्ड रिलेट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनर्वेट। इनर्वेट की मीनिंग होती है वीकेंड। अब आप इसे रिलेट करेंगे तो इसमें वर्ड आ रहा है वेट। इनर्वेट वेट। वेट को हम रिलेट करेंगे भार वाले वेट से। तो जो लोग ज़्यादा वेट नहीं उठा पाते हैं, वो लोग कैसे होते हैं? वीकेंड होते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंग्रॉस। इंग्रॉस की मीनिंग होती है ऑक्यूपाई फुल्ली, यानी कि पूरी तरीके से कब्जा करना। तो अगर हम ग्रॉस वर्ड को ग्रास से रिलेट करें, एंड थिंक अबाउट अ गार्डन इज़ फुल्ली ऑक्यूपाइड बाई ग्रास। तो जो ग्रास होता है वो मेनली हर गार्डन में बहुत सारा हिस्से पर कब्जा किया होता है, यूँ कहें कि पूरे ज़मीन पर पूरी तरीके से कब्जा किया होता है गार्डन में। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एनिग्मा। एनिग्मा की मीनिंग होती है रहस्य, पहेली, पजल, रिडल, सीक्रेट, मिस्ट्री। आप इसे रिलेट कर सकते हैं इनिग्मा को इंजन वर्ड से। तो इंजन, इंजन की खोज के पहले ये वर्ड फुल्ली मिस्ट्रियस था, या फिर इसके जो स्टार्टिंग के वर्ड थे ई एन जी, इसे रिलेट कर सकते हैं आप ई सी जी, ई एन जी, ई सी जी। तो जो ई सी जी होता है वो नॉर्मल लोगों के लिए पजल्ड होता है। हम नॉर्मली ई सी जी देख कर नहीं बता सकते कि व्यक्ति हेल्दी है या बीमार है, तो हमारे लिए वो बिल्कुल पजल्ड होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एनवी। एनवी की मीनिंग होती है विरक्ति। एनवी विरक्ति, यानी कि नॉर्मली अगर कहूँ तो बोर होना, लेंटिट्यूड एंड बोर्डन। अगर आप इसे लेट करना चाहें, एनवी अरे नहीं, एनवी अरे नहीं। जब हम बोर हो जाते हैं तो ये वर्ड कहते हैं ना, अरे नहीं अब और नहीं होगा। एनवी अरे नहीं, अरे नहीं अब और नहीं, अब बोर हो गए। इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एनॉमिटी। एनॉमिटी की मीनिंग होती है बड़ा। तो हम इसे लेट करेंगे एनॉमस। एनॉमस एनॉमिटी एनॉमस। तो एनॉमस की मीनिंग ही होती है विशाल। तो इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं ह्यूजनेस एंड एनॉमस भी इसके एक सिनोनिम्स में आएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एनरप्चर। एनरप्चर की मीनिंग होती है अत्यंत खुश करना, प्लीज इंटेंसली, इसके सिनोनिम्स हैं। तो इसे हम रिलेट करेंगे एनरप्चर। जब भी बहुत ही प्लीजिंग मूवमेंट होता है, बहुत ही खुश होते हैं, तो हम उस मूवमेंट को कैप्चर करते हैं, एनरप्चर एंड कैप्चर।
तो रैप्चर कैप्चर इस तरीके से आपको वर्ड मिल जाएगा और अत्यंत खुश होते हैं तब हम उस मोमेंट को कैप्चर करते हैं। तो इस तरीके से वर्ड रिलेट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंस्कॉन्स। इंस्कॉन्स की मीनिंग होती है सेटल कंफर्टेबली। तो हम इसे रिलेट करेंगे इंस्कॉन्स, आइसक्रीम कोन, इंस्कॉन आइसक्रीम कोन। तो जैसे कि आप जानते हैं जैसे ही बच्चे को आइसक्रीम कोन मिलता है वो एक जगह पे सेटल हो जाता है, कंफर्टेबली बैठ जाता है, वरना उसके पहले पूरा दिन भर चिल्लाते रहता है। इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। या फिर इस वर्ड को देखिए CONC, कॉन्क। कॉन्क जो वर्ड है वो कंसनट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है। एंड जब कोई भी व्यक्ति कंसंट्रेट उसको मिलता है, कंसंट्रेट होता है वो, तो क्या होता है, वो सेटल कंफर्टेबली हो जाता है। व्हेन यू कंसंट्रेट यू फिक्स योर सेल्फ वेरी फर्मली एंड फील सेटल कम्फर्टेबली। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एनएसयू। एनएसयू की मीनिंग होती है पीछा करना। इसके सिनोनिम से फॉलो या फिर अनुसरण करना। एनएसयू वर्ड जो साउंड कर रहा है परस्यू, एनएसयू परस्यू, एंड परस्यू बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है पीछा करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंटेल। इंटेल की मीनिंग होती है आवश्यक। इसके सिनोनिम से रिक्वायर, इन्वॉल्व, नेसेसिटेट। तो हम इसे रिलेट करेंगे टेल। टेल जो होता है सभी एनिमल्स के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है, कहना चाहिए उनके बॉडी का एक पार्ट होता है, जैसे गाय वगैरह के लिए मक्खी उड़ाने के काम आता है और बहुत सारे काम आता है टेल। तो इस तरीके से जो टेल होता है वो एनिमल्स का एक नेसेसरी पार्ट होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंट्रीट। एंट्रीट की मीनिंग होती है विनती करना। इसके सिनोनिम से प्लीड, आस्क अर्नेस्टली, एंड इसे याद करेंगे हम, सम टाइम वी नीड टू प्लीड टू द डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट। तो इसमें जो ट्रीट वर्ड आ रहा है उसे हम ट्रीटमेंट से रिलेट करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि हमें ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से विनती करना पड़ता है, जोर देकर उसे पूछना होता है कई बातें, हमें उनसे रिक्वेस्ट करना होता है। तो इस तरीके से आपको ये वर्ड रिलेट हो जाएगा ट्रीटमेंट से। डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने के लिए हमें हमेशा उसे रिक्वेस्ट करना होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ईयान। ईयान की मीनिंग होती है युग, एरा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो हम इसे रिलेट करेंगे EON, इसकी स्पेलिंग है, अगर हम ON को इंटरचेंज कर दें तो EON, ENO, ENO यानी कि इनो, और इनो का असर जो रहता है वो बहुत देर तक रहता है, एक लंबे एरा तक रहता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रॉल। एंथ्रॉल की मीनिंग होती है गुलाम बनाना। कैप्चर एंड इंस्लेव इसके सिनोनिम्स हैं। तो इसके लास्ट वर्ड को देखिए ऑल वर्ड आ रहा है। तो हमेशा अपने गुलाम से कहते हैं, नौकर से कहते हैं कि जब मैं आऊँ तो सारे के सारे यानी कि ऑल काम हो जाने चाहिए। तो इसमें ऑल वर्ड आ रहा है, तो इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एपिग्राम। एपिग्राम की मीनिंग होती है सुक्ति या फिर चुटकुला। इसके सिनोनिम्स हैं डिक्टम एंड एपिग्राफ। तो आप इसे रिलेट करिए एपिग्राम को टेलीग्राम। टेलीग्राम में सिंपल नोट्स होते थे जबकि एपिग्राम में विटी नोट होते हैं। टेलीग्राम सिंपल नोट एंड एपिग्राम विटी नोट। तो जैसे ही आपको ग्राम वर्ड आएगा आपको टेलीग्राम याद आ जाएगा, जैसे टेलीग्राम याद आएगा वैसे ही आपको उनमें लिखी चीज़ें भी याद आने लगेंगी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एपिलॉग। एपिलॉग की मीनिंग होती है उपसंहार। नॉर्मली हम ऐसे वगैरह में एक जगह पे कंक्लूड करते थे ऐसे का पॉजिटिव पोर्शन भी और नेगेटिव पोर्शन भी, तो उसे ही हम उपसंहार कहते हैं जो कि हम लास्ट में देते हैं। शॉर्ट स्पीच एट कंक्लूजन ऑफ ड्रामेटिक वर्क, या फिर नॉर्मली हम इसे कंक्लूजन कहते हैं। तो एपिलॉग को आप रिलेट करिए डायलॉग। एपिलॉग डायलॉग, तो ड्रामा के एंड में एक ऐसा डायलॉग बोला जाता है जो पूरे नाटक को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इरॉड। इरॉड की मीनिंग होती है खा जाना, ईट अवे, एंड कैंकर। तो इसे याद करेंगे हम इरॉड। तो हम कहते हैं ना कि रॉड जो लोहे का रंग, लोहे का जो रॉड होता है उसे जंग खा जाती है, यानी कि जंग उसे बर्बाद कर देती है, लोहे के रॉड को जंग खा जाती है। इस तरीके से हम इसे रिलेट करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इरनियस। इरनियस की मीनिंग होती है मिस्टेकन एंड रॉन्ग। तो ये बहुत ईजी है, इसके स्टार्टिंग में ही आ रहा है इरर। इरर की मीनिंग ही होती है गलती। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एसयू। एसयू की मीनिंग होती है अवॉइड करना, परहेज करना, उससे बचना। तो इसे देखिए एसयू, एसयू साउंड लाइक इशू, एसयू इशू। तो हर कोई चाहता है कि कोई कि वो किसी इशू में ना पड़े, किसी मेट्रो में ना पड़े, हर कोई इशू से बचना चाहता है, परहेज करना चाहता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एस्केपेड। एस्केपेड की मीनिंग होती है शरारत, प्रैंक, स्लाइटली, कंडक्ट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एस्केपेड, एस्केपेड इसका पेट, एस्केपेड इसका पेट।
कई लोग कहते हैं ना, इसका पेट निकल रहा है बोलकर मस्ती करते हैं, और अगर यही मस्ती गर्ल्स के साथ की जाए, ये शरारत उनके साथ की जाए, तो वो और भी परेशान हो जाती हैं। नॉर्मली हम मजाक में कह देते हैं कि इसका पेट निकल रही है बेचारी, डाइटिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। इस तरह के साथ रिलेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्पाउस। स्पाउस की मीनिंग होती है सपोर्ट करना, हेल्प करना, अडॉप्ट। तो इसमें देखिए लास्ट वर्ड आ रहा है स्पाउस, और जो स्पाउस होते हैं पति पत्नी, वो हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते ही हैं। तो इस तरीके से ये वर्ड आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने आपको ये सारे वर्ड्स याद कराए हैं। होप सो आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया है और सारे वर्ड्स आपको याद हो गए हैं फ्रेंड्स, तो लाइक बटन पर क्लिक करना ना भूलें। जल्दी से लाइक बटन पर हिट करिए फ्रेंड्स, और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।